प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। भक्तामर ऊर्जा वास्तु कोष में आपका हार्दिक स्वागत है। वास्तु के अनुसार घर कितना पॉजिटिव हो जाता है, कितना फ्रेशनेस आप अनुभूत कर सकते हो, वो हमने सैकड़ों बार सीखा है, अनुभव किया है, और आपने भी ऐसी पवित्र जगहों के अंदर काफ़ी विशिष्ट प्रकार की अनुभूति की होगी। इसी वीडियो के साथ यदि आप हमारे साथ में जुड़े हो तो मैं हूँ आपका इष्ट गुरु निकुंज। नए नए वीडियो के साथ में हम रोज़ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और आज बहुत गंभीर विषय के साथ में, लगातार काफ़ी गुरुदेवों के संपर्क में आने के बाद, मंत्रों के ऊपर रिसर्च करने के बाद, और लगभग भारत में ऐसा कोई जैन का घर नहीं है कि जिसके घर में छोटे छोटा मंदिर, प्रतिमा, तस्वीर या दार्शनिक कोई भी चीज़ ना हो। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये कहाँ होनी चाहिए, इसकी सही दिशा क्या है, गलत दिशा में रखने से कितना बड़ा नुकसान होता है, उसकी सारी बातें हम चर्चा करेंगे। तो जल्दी से हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और घर के अंदर मंदिर खास करके एक ऐसी पवित्र जगह है कि पूरे दिन की, जैसे मंदिर में रोज सुबह में लोग दर्शन करके कुछ समय के लिए जाप करके घर से बाहर जब भी आप निकलते हो, तो खास करके वहाँ से खूब सकारात्मक ऊर्जा के साथ में आपकी यात्रा का प्रारंभ होता है। चाहे वो बिजनेस के लिए जा रहे हो, बच्चे चाहे पढ़ाई के लिए जा रहे हो, या जो भी महिला रसोई बनाने के लिए भी किचन में जा रही है, भगवान की पूजा आप करते हो, तो खास करके मंदिर हमेशा शांतिपूर्ण जो जगह है घर के अंदर, वहाँ पर आपको रखना चाहिए। मंदिर का जो वास्तुशास्त्र यदि बना हुआ है तो उस घर के अंदर सुख शांति समृद्धि इतनी जबरदस्त बढ़ती है कि वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वास्तु विज्ञान के अनुसार, वास्तु का जो साइंस है, वो साइंस के हिसाब से भजन, कीर्तन, अध्ययन, अध्यापन या क्रिएटिव आइडिया, बिजनेस के लिए भी सकारात्मक आप एनर्जी लेना चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ईशान कोण, वो सर्वश्रेष्ठ जगह है। खास करके आप मेडिटेशन भी करना चाहते हो, बहुत सारे हमारे स्थानकवासी दर्शक हैं, तेरापंथी हैं, जो लोग शायद मूर्ति को कम करते हैं, तो आप मेडिटेशन में भी तुरंत ऊर्जा का अनुभव करना चाहते हो, सीधा आप सिमंदर स्वामी जी भगवान है सदगुरु के साथ कनेक्शन करना चाहते हो, तो ईशान कोण में मुख रख करके आप कोई भी प्रेयर करते हो तो उनका रिजल्ट मिलने की गति बहुत बढ़ जाती है। वास्तु अनुसार पूजा करने वाला जो भी व्यक्ति है, कोई भी आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हो, तो उनका व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। मंदिर का घर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, वो अपने घर के अंदर मंदिर, अपने ऑफिस के अंदर के मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। जो संघ का मंदिर है उसका वास्तु पूर्ण रूप से विपरीत और अलग अलग प्रकार के नियमों के अनुसार हो रहा है। ये पूरा वीडियो आपके घर का वास्तु कैसा होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। भगवान की जितनी भी प्रतिमा है वो सभी प्रतिमा पश्चिम एवं दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। खास करके सबसे ऊपर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए, उसके थोड़ी नीचे देवी देवताओं की प्रतिमा होनी चाहिए, कुल देवता की प्रतिमा होनी चाहिए और गुरु की प्रतिमा होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर 4-5-6 से ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं रखनी चाहिए। जितनी ज़्यादा यदि पार्श्वनाथ भगवान की बहुत सारी आप प्रतिमा रखते हो और प्रॉपर रूप से उसको पूजा पाठ धूप नहीं होती है, तो वही चीज़ में से नकारात्मक एनर्जी निकलना चालू हो जाती है। जिसके भी घर में भैरव जी की प्रतिमा है तो उनके लिए साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण जो है वो उसकी तरफ यदि मुख रखते हो तो नजर बंद है, नेगेटिविटी है आदि का पूर्णतः उस घर में प्रवेश होता नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जो खास करके पूजा गुरु उत्तर दिशा में बैठ करके आप जाप कर सकते हो, उत्तर दिशा में मुख रख करके पूजा कर सकते हो। दिशाओं का भी ये पूरी एक मैग्नेटिक साइकिल है, उस तरफ से जो चुंबकीय तत्व आते हैं। धन की प्राप्ति करनी है, जैसे ही लॉकडाउन खुले आपको पूर्णतः व्यापार में प्रगति हो, तो उसके लिए खास करके धन की प्राप्ति के लिए पूर्व दिशा की ओर आप मुख रख करके बैठ करके कोई भी आप इष्ट मंत्र का जाप करते हो, संकल्प के साथ में करते हो, और जैसे ही जाप खत्म हो जाए उसके बाद भी आपको एक संकल्प बोलना है। आज हमारा मंत्र शुद्ध उच्चारण का एक पूरा कोर्स चल रहा है जिसमें हम व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति को सिखाते हैं, समझाते हैं और क्या क्या वो गलती कर रहे हैं।
आज का वीडियो बेहद 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 जरूरी है। आप कोई भी मंत्र यदि किताबों में से पढ़ रहे हो, कोई भी मंत्र बिना गुरु मुख से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल आज से गिनना बंद कर दीजिए, क्योंकि वही नकारात्मक एनर्जी जिंदगी में आपको कभी आगे लेके नहीं जा सकती है। खास करके मंत्र शुद्ध उच्चारण जो कोर्स हमने बनाया हुआ है, इसके अंदर आपका जो गोल है, आप आरोग्य प्राप्ति के लिए मंत्र गिनना है, आरोग्य प्राप्ति का आपका संकल्प है और मंत्र कुछ और गिन रहे हो, लक्ष्मी प्राप्ति का आपका संकल्प है मंत्र कुछ और गिन रहे हो, आपका मोक्ष प्राप्ति का संकल्प है मंत्र कुछ और गिन रहे हो, तो जो आपका संकल्प है, मेडिकल में 250 दवाइयाँ मिल रही हैं, सारी दवाइयाँ हमारे अनुरूप नहीं है। तो पहले जो आपका संकल्प है उनके अनुरूप आप मंत्र गिन रहे हो या नहीं गिन रहे हो। लगातार मंत्र ऊर्जा कोर्स सैकड़ों लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों का जब हमने ऑडियो मंगाया तो कितने सारे लोगों को नवकार महामंत्र भी बोलना नहीं आता है। तो पहले नंबर में गुरु मुख से मंत्र लेना है, सेकंड नंबर के अंदर जो भी आपका संकल्प है उसके अनुरूप मंत्र है कि नहीं वो चेक करना है, और तीसरे नंबर के अंदर आप जो मंत्र जैसे पार्श्वनाथ भगवान का मंत्र गिन रहे हो, नवकार महामंत्र गिन रहे हो, तो उसका उच्चारण जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गलत उच्चारण के साथ किया गया सैकड़ों जाप, चाहे 50 साल से गिन रहे हो, 10 साल से गिन रहे हो, नकारात्मक एनर्जी हद से ज्यादा बढ़ेगी। और कई सारे हमने नवकार मंत्र के ऐसे साधक देखे हैं कि जिनकी अंतिम समय की परिस्थिति एकदम डाउन हो गई है, क्योंकि उनका उच्चारण गलत था। तो आप सभी लोग, जो जो भी लोग अपना पाठ कर रहे हैं, वो सभी लोग एक नॉर्मल कागज के अंदर ये मंत्र उच्चारण शुद्ध कोर्स कीजिए। जो जो भी मंत्र गिनते हो, 10-15 मंत्र गिनते हो, टोटल बंद कर दीजिए। अपने गुरु महाराज साहब को पूछिए और आपका जो संकल्प है उसके हिसाब से आप उसका मंत्र जाप कीजिए। कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप सीधा संस्था का संपर्क करके एक कागज में सारे मंत्र लिखिए और उसका ऑडियो बना करके हमें भेजिए, कि जिसके माध्यम से जो आपका संकल्प तक आप 6 महीने में पहुंचने वाले हो, वहां पर 1 महीने में पहुंच जाओगे। नहीं तो लगातार हमने इतने सारे लोगों को देखा है कि 2-2 घंटे तक मंदिर में बैठे रहते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी तनाव रहता है, फिर भी परिवार में क्लेश रहता है। तो मंदिर जो है, जैसे ही मंदिर में जाओ, जैसे ही 5 मिनट आप प्रार्थना करो और हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आनी चालू हो जाए। तो संकल्प बराबर होना चाहिए, मंत्र बराबर होना चाहिए और शुद्धिकरण बराबर होना चाहिए। साथ साथ में आपका बेडरूम है वहां पर बिल्कुल पूजा घर नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग बंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर बेडरूम के अंदर अपना जो ओघा है वो भी रखते हैं, तो वो भी रखने से दोष लगता है। पूजा की पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही पूजा की आइटम चाहिए। इसके अलावा कोई भी जगह पे कोई भी गुरु का फोटो है, धार्मिक फोटो है, वो सब निकाल करके सिर्फ आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ही रखना है। घर में जगह की कमी है तो खास करके मंदिर को पूरी तरह से छोटा बनाइए, और मंदिर को जैसे ही पूजा खत्म हो जाती है बाद में उसको दरवाजा बंद कर देना है। पूरा दिन मंदिर का दरवाजा खुला होना चाहिए नहीं। खास करके ईशान कोण में क्यों रखना है, तो कि ये जो कोण है वहां पर साक्षात सिमंदर स्वामी जी भगवान आदि भी तीर्थंकर भगवान है, करोड़ों देवी करोड़ों साधु साधु जी भगवंत हैं, और उस समय खाली आप दोनों हाथ जोड़ करके नमन करते हो तो वो सभी साधु साधु जी भगवान और 20 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम करने का लाभ मिलता है। पूजा करते समय आपका मुख पूर्व की ओर रखना है, और खास करके पूर्व की ओर मुख रख के आप पूजा करते हो तो धन धान्य समृद्धि का वास होता है। एक चीज, पूजा के मंदिर के ऊपर बहुत सारे लोग किताब रख देते हैं, धूप दीप के डब्बे रख देते हैं, बहुत और भी बहुत सारी सामान रख देते हैं। मंदिर के ऊपर कोई भी सामान नहीं होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात कि मंदिर के ऊपर, घर के मंदिर यदि शिखर वाला भी बनाया है वो भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है, तो घर के मंदिर में शिखर भी होना नहीं चाहिए। तीसरे नंबर की बड़ी बात कि वास्तु अनुसार कभी आपके घर में सीढ़ियां हैं और सीढ़ी के नीचे भी आप मंदिर बनाते हो तो खास करके वो भी बिल्कुल चलता नहीं है, वहां से भी नकारात्मक ऊर्जा और काफी सारी प्रार्थना, आप लाखों मिनट जो है दिन के, मान लो समझ लो कि रोज आधा घंटा जाप करते हो, आपका उसको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और बहुत बड़ी बात, यदि किसी ने मंदिर के ऊपर शिखर की जगह गुंबज बनाया है तो वहां से भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। मंदिर पूरी तरह से ऊपर से सीधा ही होना चाहिए। तो ये मंदिर की बात हो गई, और इसके अलावा और भी वीडियो में थोड़ी सी मंदिर की और शंख की पूजा कैसे करें और बहुत सारी वनस्पति मालाओं के बारे में भी हम भी जानेंगे।
तो आज हमने मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स के बारे में जाना। कोई भी आप मंत्र गिनते हो खास करके संस्था के नंबर के ऊपर भेजिए और ये मंत्र शुद्ध उच्चारण कोर्स से मंदिर का शुद्धिकरण होगा, आपके मंत्रों का शुद्धिकरण होगा और आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत 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 लाभदायी होने वाला है। इसके बाद और एक मंदिर का मैं वीडियो लूंगा और उसके बाद आपके जितने भी वास्तु संबंधी सवाल आए होंगे, आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट के अंदर लिखिए। 10वां जो एपिसोड है वो सारे आप सभी लोगों के सवाल को के जवाब के लिए पूरा बनाएंगे। इसी भावना के साथ नए विषय के साथ वापस जुड़ूंगा। तब तक के लिए रजा दीजिए। प्रणाम। जय जिनेंद्र। नमस्कार।